मैंने ऐसे लोग देखे अपनी लाइफ में, अपनी पर्सनल लाइफ में, अपने रिश्तेदारी में, जो मसीह में इसलिए नहीं आते, उनको मालूम है यीशु मसीह जीवित परमेश्वर, सिर्फ इसलिए नहीं आते कि जैसे वो मसीह में आते हैं उनके घर में कलेश शुरू होते हैं। सिर्फ कलेश के डर के मारे वो मसीह में नहीं आते, लेकिन उन्हें यह मालूम नहीं कि सारी उम्र पोती पर के घर में नौकरी करने से यह अच्छा है कि आप सच्चाई के लिए खड़े हो जाएं और 80 साल राज्य करें। अब आपने देख लो, आपने पाप का गुलाम बनना है, क्योंकि अगर शैतान ने आपको चोरी करने के लिए बोला और आपने की, बाइबल कहती है आप चोरी के गुलाम है, वे विचार के गुलाम है, आप जेलसी के गुलाम है, माफ ना करने के गुलाम है। और बाइबल कहती जब तक आप गुलाम रहेंगे आप राज्य नहीं कर सकते। लिखा जो जिससे हार जाता है उसका दास बन जाता है। आप हार गए व्यभिचार से, वो आप पे हावी हो गया। आप हार गए चोरी से, वो आप पे हावी हो गई। आप हार गए पाप से, वो आप पे हावी हो गया। बाइबल कहती आप उसके दास बन गए, और अगर आप पाप के दास हैं आप परमेश्वर के लिए राज्य नहीं कर सकते। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग मैंने क्रिश्चियनिटी में देखी है, जो लोग कामयाब हुए, कामयाब रहे और लाइफ के लास्ट साल तक कामयाब रहे, वो वही लोग हैं जो अपने आप में मर चुके हैं। अगर आप अपने आप में मर चुके हैं, आपको किसी बात की चिंता नहीं होनी चाहिए। कोई आपको आपकी बेइज्जती करे, आप तो मर चुके हैं। कोई आपकी प्रशंसा करे, आप तो मर चुके हैं। कोई आपसे वैर रखे, आप तो मर चुके हैं। एक मरा हुआ बंदा वैर कैसे रखे? अगर आप मर चुके हैं अपने आप में, आप राज्य करने वाले हो बहुत जल्दी। फिर आप देखेंगे जो चीजें आप चाहते हो आपके घर में हो, आपके बच्चे आपके हिसाब से करें वो होनी शुरू होंगी। आपकी फैमिली आपके हिसाब से करे वो होनी शुरू होंगी, क्योंकि अगर आप परमेश्वर के साथ खड़े रहेंगे वो आपको राज्य करने के लिए देगा। आप अपने लाइफ में, अपने एरिया में, अपने बिजनेस में, अपनी फैमिली में आप किंग होंगे, आप क्वीन होंगे यीशु मसीह के नाम में। आप मेरी बात समझ रहे हैं कि नहीं? जो चीजें परमेश्वर ने आपको देनी है वो इन चीज के साथ जुड़ी हुई। सेल्फ डेथ, बोलो पड़ोसी को, अपने आप के लिए मरना और मसीह के लिए जीना। हालेलुया। इसलिए जब हम बपतिस्मा लेते हैं हम क्या करते हैं? हम पानी में गाड़े जाते हैं, मतलब हम क्या हो गए? मर गए। वो पानी नहीं होता, वो कब्र होती। पानी में डुबकी मारने का मतलब क्या? मसीह में गाड़े गए जिस तरह यीशु मसीह गाड़ा गया, और उठने का मतलब जी उठना जिस तरह यीशु मसीह जी उठा। वो कहता अब तुम मसीह के लिए जी उठे हो, बाकी जीवन अपने शरीर के अनुसार नहीं मसीह के अनुसार चलाना। हालेलुया। तो क्या व्यभिचार मसीह के अनुसार है? जेलसी मसीह के अनुसार है? क्या चोरी मसीह के अनुसार है? बोलो, अगर हम मसीह के अनुसार जिएंगे नहीं तो उसके अनुसार हम राज्य भी नहीं करेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज जो मैंने क्रिश्चियनिटी में देखी, अपने पास्टर दोस्तों में देखी है जिन्होंने अपने एरिया को चेंज कर दिया, राज्य किया, सेल्फ डेथ। आपको चर्च में काम करने के लिए सेल्फ डेथ की जरूरत है, आपको प्रचार करने के लिए सेल्फ डेथ की जरूरत है, अच्छा विश्वासी बनने के लिए सेल्फ डेथ की जरूरत है, अपने आप के लिए मरना और मसीह के लिए जीना। यह शरीर आपका नहीं, किसका है? अगर यह बीमार हो तो किसकी जिम्मेवारी होगी? परमेश्वर की। अगर हम इस तरह से चलेंगे और हीलिंग को कमांड करेंगे वो भी होगी, डिलीवरेंस को कमांड करेंगे वो होगी, हम जो मांगेंगे हमें मिलेगा। हालेलुया। अपने पड़ोसी को बोलो सेल्फ डेथ, ऊंची आवाज में बोलो अपने आप के लिए मरना। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा? उसने कहा अगर तू मेरा अपना क्रूस उठा के मेरे पीछे ना चले तो तू मेरे योग्य नहीं। प्रतिदिन अपना क्रूस उठा के अगर तू मेरे पीछे ना चले तो तू मेरे योग्य नहीं। एवरी डे उसने कहा अपने आप के लिए तू मर चुके हैं। जो सेल्फ डेथ में नहीं जीते वो पैसा नहीं बो सकते, उनको वो प्यारा लगता है। जो सेल्फ डेथ में नहीं जीते वो सेवा नहीं कर सकते, काम नहीं कर सकते, प्रचार नहीं कर सकते। हालेलुया। दानियल, शद्रक, मेशक, अबेदनगो सेल्फ डेथ में जी रहे थे। कैसे? क्योंकि उन्हें खोजा, उन्हें किन्नर बना दिया गया था। उन्हें मालूम था उनकी शादी नहीं होगी, वो सिर्फ परमेश्वर के लिए जी रहे थे। सुबह प्रार्थना, दोपहर प्रार्थना, रात प्रार्थना। मूसा वो शादीशुदा था
लेकिन बाइबल कहती सेल्फ डेथ में था। यह सबूत इस बात का यह है कि उसने मिस्र की गद्दी को छोड़ के आम लोगों के साथ वो हो गया, क्योंकि वो सेल्फ डेथ में था। कोई पैसा नहीं छोड़ेगा अगर वो अपने आप में मरा हुआ नहीं, विरोध करना नहीं छोड़ सकता अगर अब मरा हुआ नहीं, जरूर बदला लेगा अगर वो मरा हुआ नहीं है तो, लेकिन अगर मरा हुआ है अपने लिए वो बदला नहीं लेगा। क्या लाश बदला लेती है कभी? लाश बदला लेती है कभी? लिखा अपने आप को मरा हुआ समझो और मसीह में जीवित समझो। हालेलुया। लाश बदला नहीं लेती, लाश प्रशंसा करने पे हंसती नहीं ना तो बुरा मानती। परमेश्वर ने कहा तुम मसीह में जब बपतिस्मा लेते हो तुम अपने आप के लिए मर गए और मसीह के लिए जी उठे। अगर इस तरह से जीवन जियोगे, इस आकाश के नीचे का कोई भी शैतान आपको डिस्टर्ब नहीं कर पाएगा। अगर इस तरह से आप लाइफ जियोगे तो परमेश्वर वो कर पाएगा जिसको करने के लिए उसने आपको अपने पास बुलाया। उसकी योजना अलग थी यूसुफ के लिए, मूसा के लिए अलग थी, दानियल के लिए अलग थी, पत्रस के लिए अलग थी, पौलुस के लिए अलग थी, और आप सबके लिए अलग है और सबके लिए बड़ी है। और सब आप एक एक जन मोस्ट इंपॉर्टेंट वीआईपी पर्सन हो परमेश्वर के सामने। सिर्फ प्रचारक ही नहीं, आप सब लोग, एवरीबॉडी। लेकिन प्रचारक डिफरेंट क्यों रहता है? क्योंकि वो कॉल्ड है इस काम को करने के लिए और वो परमेश्वर को वो समझता है जो वो आपको समझा रहे हैं। अगर आपने अपनी लाइफ में जो परमेश्वर ने आपके लिए सोचा अगर आपने वो कर दिया और आप ओवरकम कर गए शैतान के ऊपर, पाप के ऊपर, सेल्फ डेथ में अगर चले गए, तो आपको सचमुच नजर आएगा किस ग्रेट पर्पस के लिए परमेश्वर ने आपको अपने पास बुलाया। ऐसा नहीं हो सकता कि आप हर वक्त पापियों के पास रहें और आप पर उनका असर ना हो। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? अगर लूत अलर्ट होता अपने परिवार को वहां से दूर ले जाता, क्योंकि अनैतिकता का असर उसके परिवार पर हुआ। दिल का खतना, अपने आप को अलग रखना। जब आप अलग रखेंगे आपको पेन्स होंगी, दर्द होगी, अकेलापन होगा। आप दुनिया की तरह नहीं जी पाएंगे, पर वो आपको बचा के रखेगा, वही आपको फायदे में रखेगा और वही उन वायदों को पूरा करने में आपकी मदद करेगा जो परमेश्वर ने आपके साथ किए हैं। बाइबल में परमेश्वर ने कहा अब्राहम जो वायदे मैंने तेरे साथ किए मैं उन्हें तब तक पूरा नहीं कर सकता जब तक तू खतना नहीं कराएगा। और बाइबल कहती जैसे ही उसका खतना हुआ परमेश्वर ने अपने वायदे को पूरा किया। आपका आत्मिक खतना होता है आज शारीरिक नहीं। क्या आप आत्मिक खतने में हैं क्या अब भी, या आप सिर्फ लूत के जैसे क्रिश्चियन हैं जो खुद तो परमेश्वर को मानता है लेकिन उसे इतनी टेंशन नहीं है कि वो अपने घराने का, अपने आसपास के माहौल का भी ध्यान रख सके और उनको बचा सके। हालेलुया। अगर आप परमेश्वर की बातों को ध्यान दें तो परमेश्वर ने एक वचन में लिखा अब्राहम के साथ कि मैं अब्राहम को आशीष दूंगा क्योंकि मैं ये जानता हूं कि अब्राहम सिर्फ खुद ही नहीं पर अपने आने वाली जनरेशन, अपने बच्चों को भी ये आज्ञा देगा कि वो यहोवा के मार्गों के ऊपर दृढ़ और अटल बने रहें। ये कारण था अब्राहम की ब्लेसिंग का। वो खतने में था, ये कारण था अब्राहम की ब्लेसिंग का। जब हम ऐसी संगति में होते हैं जो लोग मन के खतने से और परमेश्वर के करीब हैं और मन का खतना कर चुके, वो लोग चाहे कम बुद्धिमान भी हों तो भी मरते नहीं, चाहे वो कम स्पिरिचुअल भी हों तो भी मरते नहीं। आप जानते हैं जो अब्राहम और सारा की जो नौकरानी थी, बाइबल कहती है हाजिरा, अब्राहम ने जब उसे निकाला परमेश्वर ने कहा इन्हें निकाल दे और अब्राहम ने उसको पानी और रोटी दी और निकाल दिया और वो एक जगह जाके रोने लगी और परमेश्वर का दूत उसे पता क्या बोलता है, कहता मैंने उस लड़के की प्रार्थना सुनी, तेरा रोना नहीं मैंने देखा, तू रो रही मैंने ये नहीं देखा। बाइबल कहती वो इसलिए रो रही थी कि अब मेरा लड़का मर जाएगा। दूत ने कहा नहीं मैंने उस लड़के की प्रार्थना सुनी, पता है क्यों? क्योंकि वो लड़का खतना किया एक फैमिली का हिस्सा था, अब्राहम का एक हिस्सा था। उसे मालूम था अब्राहम कैसे प्रार्थना करता है, अब्राहम कैसे जब दिक्कत में होता है तो क्या करता है, जब मुश्किल में होता है तो कैसे प्रार्थना करता है। उसको देखकर उसको प्रार्थना करनी आती थी,
और वही उसकी जिंदगी के बचने का कारण बन गई। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? चाहे उस समय शारीरिक रूप से उसका खतना ना हुआ हो, लेकिन वो एक ऐसे धार्मिक परिवार में था जहां उनको प्रार्थना करना और परमेश्वर को प्रसन्न करना आता था। हालेलुया। अगर हम चाहते हैं हमारे वायदे पूरे हों जो खुदावंद ने हमारे साथ किए हैं, तो हमें खतने वाली जिंदगी को बिताना पड़ेगा। और हमारा खतना अब शारीरिक नहीं, बोलो मन का है। ऊंची आवाज में बोलो, बोलो पड़ोसी को, फिर से बोलो, बोलो मन का खतना कर। आमीन। आप जब मन का खतना करते हैं, आप फिर उन दोस्तों के साथ बेस्ट फ्रेंड नहीं रह सकते, आप उन लोगों के साथ नहीं रह सकते जिनका परमेश्वर के साथ कोई लेना देना नहीं है, आप अंधेरे के लोगों के साथ संगति नहीं कर सकते, आप उनके बेस्ट फ्रेंड नहीं बन सकते। आपकी एक अलग लाइफ होती। जैसे शारीरिक खतना दर्द वाला होता था, वैसे आत्मिक खतना भी दर्द वाला होता है। लेकिन जिन्होंने दर्द नहीं सही और दर्द के मारे, दर्द ना हो इसलिए खतना नहीं करवाया, तब शरीर का और अब आत्मा का या मन का, वो लोग कभी सक्सेसफुल नहीं हुए। हालेलुया। परमेश्वर ने आपको सफल होने के लिए बुलाया। उसने आपको फालतू में नहीं बुलाया, उसने अपना लहू फालतू में नहीं बहाया, उसने आपको किसी काम को करने के लिए बुलाया। और ये परमेश्वर का प्लान आपकी लाइफ में पूरा होगा अगर आप मन का खतना करके चलेंगे तो। ऊंची आवाज से बोलो हालेलुया।